पेंसिल नहीं है मेरे पास, बट हाँ बच्चों का प्यार देख के अच्छा लगता था। प्यार, उनका उनकी मासूमियत। जी 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 और केतन और मेहता पहली साहब, फिल्म कौन सी थी आपकी? पहली फिल्म मैंने की थी गदर, हाँ वो अनिल शर्मा जी की फिल्म थी। हाँ गदर एक प्रेम कहानी। जी 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 हाँ तो उसमें अमरीश पुरी जी के साथ मेरा सीन था, जी और जब वो सीन किया था मैंने, तो उस सीन के बाद मैं, अमरीश जी बहुत सीनियर एक्टर थे, लेकिन अमरीश जी ने मुझे एक कॉम्प्लीमेंट दिया कि मेरी आंखों में आंखें डाल के बहुत कम एक्टर डायलॉग बोलते हैं। वो काके तू कहाँ से है? बोला हाँ सर मैं थिएटर से हूँ। बोला मैं तभी कह रहा हूँ कि मेरी आंखों में आंखें डाल के बोल रहा है, इसको इतना कॉन्फिडेंस थिएटर से मिला है। तो थिएटर से एक कॉन्फिडेंस आता है आप में। क्योंकि अंदरूनी आप में एक्टिंग का है। देखिए आपको एनएसडी में आपको एडमिशन नहीं मिला, जी उसके बावजूद आप इतने अच्छे कलाकार साबित जी हुए जी हैं, जी मतलब जी वो आपके अंदर भी होता है। ये प्रभु कृपा है, जी और मैंने कहा हाँ ना कि आप लोगों को देख के सीखा है। जी। और राम गोपाल वर्मा जी के साथ तो आपने बहुत काम किया, जी जी उसमें जी से एक फिल्म मेरी भी थी जी रक्तचरित्रा। उनके साथ कैसे मिलना हुआ? और उनके पहली फिल्म मेरी उनके साथ नहीं थी, उनकी प्रोडक्शन की फिल्म थी जी डी, जिसमें रणदीप हुडा लॉन्च हुए थे। जी बिल्कुल। तो उसमें एक पुलिस ऑफिसर का रोल था, जिस जो रणदीप हुडा की बड़ी पिटाई करता है शुरू में ही। तो मैं गया, मैं विश्राम सावंत जी उसके डायरेक्टर थे, प्रोडक्शन थी वो इनकी हाँ राम गोपाल वर्मा साहब की। तो मेरा कोई इंट्रोडक्शन था नहीं उनसे, जी मैं मुझे डबिंग के लिए बुलाया गया। एम्पायर ही थी मेरे साथ जी काम किया, और मुझे याद है जब मैंने वो सिक्वेंस किया था तो मैंने एक सीन इम्प्रोवाइज किया था कि विवेक ओबराय को कॉलर पकड़ के मैं धक्का देता हूँ कि जा कर ले भरत मिला, उसके भाई को सुशांत सिंह को मार के हाँ मैंने बैठाया हुआ है बगल में, डाला हुआ है बगल जी एक कमरे में। तो रामू जी को बहुत अच्छा लगा, बोले तेलुगु का भी हम इसमें करेंगे तो आप सेम कीजिए जो आपने हिंदी में किया है। मैंने कहा ठीक है सर, तो तेलुगु के लिए थोड़ा वक्त दीजिए, मुझे याद करना पड़ेगा। उन्होंने दिया वो वक्त, उसके बाद फिर डिपार्टमेंट की मैंने संजय दत्त साहब के साथ, और राणा दग्गुबाती जो आज के बड़े पॉपुलर एक्टर हैं साउथ के, साउथ के। बाहुबली में, तो मेरा मर्डर मुझे मारते हैं वही दोनों, संजय दत्त और राणा दग्गुबाती। हाँ और इस तरह से राम गोपाल वर्मा जी के साथ काम करने का सिलसिला शुरू हुआ। और किन किन डायरेक्टरों के साथ आपने काम किया? केतन मेहता साहब के साथ, केतन जी मेहता के साहब के साथ शुरू में एक फिल्म आई थी सरदार पटेल, जी जिसमें मैंने महाराजा जोधपुर का रोल किया था। सुहासिनी मूले बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने मुझे यस कास्ट किया था, जी वो किया था मैंने। उसके बाद बम बम बोले एक फिल्म की थी मैंने प्रियदर्शन जी के साथ, जिसकी राइटर हैं मनीषा कोल्डे, काफ़ी फिल्में उनकी लिखती हैं, जी तो उन्होंने मेरी कास्टिंग उसमें की थी एज ए विलन। ओके तो प्रियदर्शन जी के साथ काम किया, और तिग्मांशु धुलिया जी की फिल्म है पान सिंह तोमर, जी हाँ उसमें इरफान के कजन का रोल किया है मैंने, और उसमें इरफान पहला मर्डर मेरा ही करते हैं, मुझे मार के डकैत बनते हैं। अच्छा। एक आपका सीरियल था जय हनुमान, जय जय हनुमान भी एक जी है सीरियल। जय हनुमान, वो हाँ संजय खान साहब का था, जी अच्छा। वो बॉम्बे में शूट किया था वो वो उमरगांव भी? में शूट हुआ था अच्छा वो। मैं जब नया नया आया था तो मैं उस वक्त कोई दरवाजा पता नहीं था, तो मैं सीधा संजय खान साहब के ऑफिस पहुंच गया था। जी मैंने खान साहब आपने कहा था आप बम्बई आना चाहिए, वो आ तो गए। बुलंद दरवाजा है जहां पहुंच गए हाँ थे। हाँ तो मैं आ गया, जी तो बोले कि ठीक है, असिस्टेंट को बुलाया, क्या रोल बचा है? बोला सर सारी कास्टिंग हो गई, एक ही इंपॉर्टेंट रोल बचा है अहिरावण का। तो उन्होंने बोला कास्ट मी इमीडिएटली, और मुझे अपने कमरे में ले गए, 50,000 कैश मुझे हाथ में दिया, बोला जी नए नए हो बंबई में जरूरत पड़ेगी। दैट्स सो स्वीट। ऐसा कौन करता है, हाँ कौन ऐसा करता कौन है करता यार, है? और मैं ये मानता हूं कि संजय खान साहब ने बहुत फिर से पैम्पर किया बोलो। मुझे, बहुत पैम्पर किया, और उनका हौसला ही था कि उनका दिया हुआ हौसला कि मैं बॉम्बे आया और काम करके आज जहां भी हूं आपके सामने हूं। जी अच्छा। आपने एक फिल्म की थी राजकुमार संतोषी जी की, जी 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 फैमिली, जी जी अमिताभ जी जी बच्चन जी के साथ आपने काम किया, वो भी वो बहुत बहुत एक्सपीरियंस अच्छा बताइए। अच्छा एक वाकया है कि मुझे जी बुलाया गया, तो पहले बताया गया कि एक असिस्टेंट ने मुझे ब्रीफ किया कि एक सीक्वेंस है जिसमें अमिताभ बच्चन साहब आते हैं और कई माफिया डॉन बैठे हुए हैं टेबल पे, उसमें से आप एक हैं। जी मैंने कहा नहीं करूंगा, राजकुमार संतोषी जी के साथ नहीं करेंगे? मैं कहा नहीं ऐसा रोल नहीं करूंगा, मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ मुझे ये तो लगे मैं अमित जी के साथ काम कर रहा हूँ, अमिताभ हाँ बच्चन साहब के साथ काम कर रहा हूँ। मैं बोल के चला आया, हाँ
मेरे घर आए तो घर के लोग बोले, अरे क्यों छोड़ा है, तो अमिताभ बच्चन साहब के साथ स्क्रीन शेयर करना ही बड़ी बात है। मैं कहा नहीं, मुझे जब तक उनके साथ बात करने का मौका ना मिले मैं क्यों करूं। हाँ तो करीबन 10 दिन बाद फिर फोन आया कि आइए, अभी अमिताभ बच्चन साहब के साथ रोल है, एक इंस्पेक्टर भोसले का रोल है, और आपको लास्ट में अमित जी ही मारेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। हाँ, उनसे मार खाना मंजूर हाँ, है। हाँ और जितने मेरे सीक्वेंसेस थे उसमें राजकुमार संतोषी जी ने वो मेरे अमित जी के साथ ही रखे थे। तो मैं जाता था, वो सेट पे ही डायलॉग लिखते थे, राजकुमार संतोषी जी खुद ही लिखते हैं, जी बोलते थे जरा पढ़ना शैलेंद्र, मैं पढ़ता था, हाँ चलो शूट करते हैं। तो बल्कि मैंने वहां देखा कि इतना काम करने के बाद अमिताभ बच्चन साहब में मतलब इतना इतने प्रोफेशनल हैं वो, कि मैं अपना शॉट देके चला गया था। वैनिटी में आया असिस्टेंट कि अमित जी बुला रहे हैं। मैंने कहा मुझे क्यों बुला रहे हैं, नहीं बुला रहे हैं आप आइए। मैं गया तो अमिताभ बच्चन साहब ने मुझे बोला कि जो डायलॉग आपने बोला था हाँ वो कैमरे के पीछे से खड़े होकर आप जरा बोलेंगे, हाँ ये असिस्टेंट लोग उस हिसाब से नहीं बोलते हैं, आपने जिस अंदाज में बोला था उसी अंदाज में बोल दीजिए। अच्छा, वो शॉट अमित जी का था क्लोजअप में। हाँ हाँ क्लोजअप उनका चल रहा था, मैं अपना क्लोजअप तो, देके चला गया था हाँ तो आपको क्यू के लिए। जी। हाँ तो क्यों के लिए अमित जी ने मुझे बुलवाया, तो मुझे लगा यार ये वो यही सब सीखने को जी मिलता है। जी बिल्कुल। और हम फेस टू फेस जब फाइट चल रही थी तो मैं गोली चला रहा था, अमित जी भी गोली चला रहे थे। वो गोली वो बुलेट का एक जो कवर होता है, जो पीतल का स्टील का होता हाँ है, वो उछल के तेजी से बहुत तेजी से मेरे सिर पे लगा। अरे बाप रे। मैं सर पकड़ के बैठ गया। हाँ मैं उनकी महानता कहूंगा कि मेरे जिस उनके सामने मैं बहुत छोटा कलाकार था, दौड़ के आए, मेरा सर सहलाया, सर में देखा, बोला खाली चोट लगी है, कुछ सर और फटा नहीं है, लेकिन आराम कर लो, जी जब तुम ठीक हो जाओगे उसके बाद शूट करेंगे। हाँ मतलब मैं गदगद हो गया था कि अमिताभ बच्चन साहब बिल्कुल। आए, मेरा सर सहलाया, उन्होंने ये किया वो किया। तो मतलब आप कायल हो जाते हैं ऐसे बिल्कुल इंसान के। हाँ बिल्कुल। इतनी खूबसूरत नोट बातें आपने बताई, जी इसी इन्हीं खूबसूरत बातों पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं बिल्कुल दोस्तों। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और सुनेंगे बड़ी बड़ी बातें थोड़ी देर के बाद। कोशिश से कामयाबी तक दूरदर्शन आयोजित कर रहा है वंदे मातरम वीडियो कॉन्टेस्ट, जिसमें आप जीत सकते हैं 2.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि। इस कॉन्टेस्ट में आपको भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का वीडियो बनाकर दूरदर्शन को भेजना है। अपने वीडियो में आप अपने प्रदेश के प्रसिद्ध स्थान, नदियां, फसलें, कला, संगीत, त्योहार और स्मारकों के चित्र और वीडियो भी डाल सकते हैं। कॉन्टेस्ट की अंतिम तारीख 10 फरवरी 2019 है। अधिक जानकारी के लिए उन्होंने कहा कि मैं अपनी होम प्रोडक्शन कर रहा हूं बिहारी माफिया, आप उसमें मेन विलेन है हमारे इस खिलाफ। मैंने कहा ठीक है, मैंने वो भी वेरी किया। गुड। फिर दीपक सावंत जो अमिताभ बच्चन साहब के मेकअप मैन हैं, उनसे परिचय हो गया था। वो एक फिल्म बना रहे थे गंगोत्री, तो उन्होंने कहा कि उसमें अमित जी के साथ एक सीक्वेंस है, बड़ा इमोशनल सीक्वेंस है जिसमें हिंदी फिल्म भोजपुरी भोजपुरी ओके तो आप उसमें अमित जी के आप पुराने ड्राइवर हैं और वो आपको गले लगाते हैं, बड़ा इमोशनल सीन है, तो मैं चाहता हूँ आप करें, एक ही सीन है लेकिन आप कीजिए। मैंने कहा अमित जी के साथ एक भी सीन कौन मना करेगा। मैंने किया और बिहारी माफिया के लिए मैं नॉमिनेट हुआ था बेस्ट विलन, मुझे अवार्ड नहीं मिला था। गुर्जर जाट गुर्जरों की एक भाषा होती है जो गुर्जरी लैंग्वेज कहलाती है, उसकी फिल्म ताऊ झगड़ू मैंने की थी, जिसमें आजकल के बड़े फेमस कास्टिंग डायरेक्टर हैं मुकेश छावड़ा, वो हीरो थे, मैं विलन था। ओ अच्छा। जी। तो रीजनल फिल्में ये की हैं मैंने, तेलुगु हाँ, और तेलुगु में भी किया है ना में किया, जी। तेलुगु में किया है। अभी रामगोपाल वर्मा साहब ने मुझे अचानक, उनका फोन आता है मुझे मतलब बिना अलर्ट किए हुए, जी कहाँ हो, मैं बॉम्बे में हूँ, अच्छा डेट्स फ्री हैं, मैं कहा हाँ सर फ्री है आ जाओ, कुछ रोल नहीं बताया कुछ नहीं। मैं पहुंचा तो एयरपोर्ट पे ड्राइवर ने मुझे स्क्रिप्ट दी कि सर ये स्क्रिप्ट है। तो एक लॉयर का रोल था जो मीरा चोपड़ा उसमें हीरोइन है, सचिन जोशी जो है हीरो हैं, जी और सचिन जोशी के लॉयर जो हैं वो टिस्का चोपड़ा हैं और मैं मीरा चोपड़ा का लॉयर हूँ। हमारी कन्फ्रंटेशन है कोर्ट में, जी बड़ा जबरदस्त सीन था। तो उसका एक सीक्वेंस था जिसमें मैं मकरंद देश पांडे को डांटता हूं बहुत जोर से। तो उस दिन कैमरा
रामू जी खुद ही हैंडल कर रहे थे, तो ट्रॉली पे शॉट लगाया हुआ था, मैंने कैमरे को हम नहीं देख रहे थे, मैं उनको डायरेक्ट ऐसे डांट रहा था जी। क्लाइमेक्स पे मैं कुछ इम्प्रोवाइजेशन की मैंने, और रामू जी हंस पड़े और वो कैमरा पूरा जर्क ऐसे से हाथ से हिल गया पूरा। हाँ। तो उन्होंने बोला रीटेक करते हैं, मैंने कहा कुछ गलत किया सर, बोला नहीं बहुत अच्छा किया तूने, मैं वो देख के हंस पड़ा था। हाँ। और कैमरा मेरे हाथ से हिल गया पूरा। हाँ। तो वही करना जो अभी किया था वो रीटेक करते हैं जी। रीटेक किया मैंने, तो फिर मेरे पास आए, बोले मेरी तेलुगु फिल्म बन रही है जिसमें बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं, तुम विलेन कर रहे हो। मैं तो मतलब लगा कहीं गिर ना जाऊं मैं इतनी खुशी सुन के। तो मैंने कहा रामू जी ये आप ही कर सकते थे। तो बोले अभी तो आप जाओ, इसमें इस फिल्म का तो काम खत्म है, मैं आपको स्क्रिप्ट भिजवाता हूँ। मैंने कहा भिजवा दीजिए। स्क्रिप्ट आई तो मेरे हाथ पैर फूल गए देख के। वो करीबन 15-16 पेज मेरे ही डायलॉग थे, तेलुगु के बड़े बड़े शब्द थे जी। लेकिन चूंकि मैं संस्कृत जानता हूँ और संस्कृत बोल पाता हूँ अच्छे से, तो प्रोनाउंसिएशन तो मैं कर लेता था लेकिन मुझे मतलब नहीं मालूम था। तो मेरी वाइफ ने बताया कि उनके पड़ोस में एक गायत्री जी रहती हैं, वो जो आंध्रा से हैं जी। तो मैं उनके पास गया, मैंने उनसे पूरे शब्दों के मायने लिख लिए। हाँ, हिंदी में फर्क पड़ता है। अब जब भाव समझ गए तो अभिनय तो हम कर ही पाते हैं, जो कोशिश कर लेते हैं थोड़ी। तो आपको याद है एक दो लाइन तो जरा सुनाइएगा। मुझे याद है, मैं कोशिश करता हूँ आपको सुनाने की जी। जरिगिन दे दो जरिगी पोइंदी, गुरु तू पट्टा डानी के वीरले कुंडू, वीडी मुखानी चक्किन चेसी, शवानी रात्रि पूड़ा मूसी नदी लो पड़े अंडी। वेरी नाइस। तो इसका मतलब बता दीजिए। मतलब इसका यह है कि जो हो गया सो हो गया। हाँ। अब ये जो लाश है इसकी पहचान को मिटाने के लिए चेसी, मतलब इसको रगड़ दो चेहरे को। हाँ। और शवानी मतलब इस डेड बॉडी को। हाँ। रात्रि की बेला में मूसी नदी वहां बहती है। हाँ। मूसी नदी में बहा दो ये है इसका। हाँ। मतलब। कि मतलब मैं तो समझ गई थी, मैं चाहती थी कि हमारे दर्शक तो। और मैं ये करके जब मैं सेट पे तो बहुत तारीफ की। और आर्टिस्ट कौन थे इसमें? उनका नाम है इसमें अपने प्रकाश राज जी हैं। हाँ, हाँ। और मनोज मंचू हैं। मनोज मंचू। हाँ। जी। ओके। जगत बाबू एक है वहाँ के, वो हैं। जगत बाबू या जगपति बाबू? जगपति बाबू, सॉरी मैं नाम भूल रहा हूँ, जगपति बाबू। तो सेट पे तो रामू जी ने बहुत तारीफ की ही। पैकअप के बाद मैं फ्लाइट लेके बॉम्बे आ गया जी। और सुबह उठा तो मैंने जब फोन देखा तो उसमें एक मैसेज आया हुआ था राम गोपाल वर्मा जी के यहाँ से। और वो लिखा था कि यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब, आई एम ट्रूली अमेज्ड विद योर सिंसियरिटी एंड कंसिस्टेंसी। मेरे लिए ये किसी अवार्ड से कम नहीं है। बिल्कुल। ये बात, इसके बारे में मैं एक बात आपसे बताना चाहूंगी। राम गोपाल वर्मा जी के साथ मैंने भी पहली बार काम किया था। रामू जी की एक बात बहुत अच्छी, अगर कोई आर्टिस्ट अच्छा काम करता है तो उसको इतना अप्रिशिएट करते हैं। वो अप्रिसिएशन ऐसा लगता है कि कोई अवार्ड से कम नहीं है। जब मैंने रक्त चरित्र में काम किया था उसके बाद उन्होंने एक मैसेज रात को बजा था, तो मैंने देखा नहीं, सुबह में उठ के जब मैंने देखा तो उन्होंने कहा कि आप इतनी अच्छी आर्टिस्ट हैं, मैं रिग्रेट कर रहा हूं कि मैं इतने साल आपके साथ क्यों नहीं काम किया। मैं, आप यकीन कीजिए, देखो अभी भी आई एम गेटिंग गूज़बम्स उस बात के लिए। मैं रामू जी की इतनी शुक्रगुजार हूं। उसके बाद आपका हौसला और बढ़ जाता है। नहीं, अच्छे आर्टिस्टों के साथ काम करने में मजा आता है। अमिताभ बच्चन के साथ जब मैं काम करता हूँ तो बड़ा मजा आता है। हाँ। आपके साथ जब मैंने स्क्रीन स्पेस शेयर किया था तो मैं अपने आप को धन्य मान रहा था कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस के साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। और आपकी डेडिकेशन मैंने देखी थी कि बारिश हो रही थी, मैं तो छाता लगाए खड़ा था। आप वैसे भीग रही थी, कांप रही थी, आप अपना कांपना रोक लेती थी शॉट के वक्त। तो ये सब देख के ही तो हम लोग सीखते हैं, प्रेरणा मिलती है। चलिए अब बातें करते हैं आपके फैमिली के बारे में जी। हम जानना चाहते हैं प्रीति आपकी वाइफ जी। जी, मेरी वाइफ का नाम प्रीति है। उनके साथ मैंने प्रेम विवाह किया। हाँ, तो उसके बारे में। हमारे इन लॉज बड़े खिलाफ थे, मेरे घर के भी लोग बड़े खिलाफ थे जी। इन लॉज का कहना था कि फिल्मी आदमी है, पता नहीं कब छोड़ दे, कभी दूसरी लड़की से शादी कर ले। मेरा मुझे यकीन है कि ये प्रोग्राम देखने के बाद उनको लगा कि नहीं, ये सही फैसला था और कोई घबराहट की बात नहीं है। और मेरी दो बहनें थीं जिसमें से एक की डेथ हो गई, किडनी फेलियर हो गया था। एक
शादीशुदा हैं, सेटल्ड हैं और दो भाई हैं, एक चंडीगढ़ में बैंक में काम करते हैं विजेंद्र। और प्रीति क्या करती हैं? प्रीति पहले ICICI बैंक में एक सीनियर ऑफिसर थी जी, बाद में उनका ट्रांसफर हो गया था हैदराबाद तो उन्होंने जॉब छोड़ दी थी। अभी पिछले ही हफ्ते उन्होंने एक कडल नाम की NGO ज्वाइन की है जहाँ डायरेक्टर की पोस्ट पे उनको बुलाया गया है। वो कैंसर पेशेंट्स कडल मींस इज इट इन तमिलनाडु इन मुंबई। कडल का क्या मतलब? कडल मतलब आप कडल करते हैं। अच्छा, वो कडल जी जी, क्योंकि इट वाज साउंडिंग लाइक तमिल। तो कडल करते हैं वो है कि लोगों को आप ऐसे जो जिनको कैंसर है इनको आप गले लगाइए उनको। तो NGO में अभी पिछले हफ्ते ज्वाइन किया हूँ। हम नव्या के बारे में भी जानना चाहेंगे जो आपकी जी मेरी बिटिया है नव्या नवेली श्रीवास्तव जी, और वो अभी 8th क्लास में है, मानिक जी के ऊपर में पढ़ती हैं जी, और वो इसी उम्र में ब्लैक बेल्ट हैं और बैडमिंटन का बहुत शौक है उनको, बैडमिंटन की ट्रेनिंग ले रही हैं वो यहाँ अधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। वेरी गुड। अच्छा, वो स्पोर्ट्स चाहती हैं कि वो बैडमिंटन की बड़ी प्लेयर बने। वेरी गुड। और हमारी मेरी पिता के नाते दुआ है प्रभु से कि उनके स्वप्न को पूरा करें। अच्छा, आपने टीवी भी किया, थिएटर भी किया, फिल्में भी किया, सबसे ज्यादा मजा आपको किस में आया था काम करके? देखिए, मजा आने का जो बात है जरीना जी, वो थिएटर में ज्यादा आता है, क्योंकि थिएटर में ये होता है कि थिएटर का नशा ही कुछ और है। थिएटर में ये होता है कि ऑडियंस से आप तुरंत कनेक्टेड होते हैं। बिल्कुल। हम लोगों को सिखाया गया था कि जैसे मान लीजिए मैं कोई डायलॉग आपसे बोल रहा हूँ तो फर्स्ट लाइन मुझे आपको देनी होती है, बाकी के सारे पैराग्राफ को मुझे ऑडियंस को देना होता है जी, क्योंकि ऑडियंस आपकी बात सुन रही है। तो वहाँ तालियां और गालियां तुरंत मिल जाती हैं। हाँ। तो पता चल जाता है कि आपने अच्छा किया या बुरा किया। अच्छा, थिएटर में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आज आपने शो में कुछ ऐसा किया है, कल आप दूसरी वेरिएशन करके देखते हैं कि ये ऑडियंस को कैसा लग रहा है। जबकि फिल्म में या सीरियल में एक बार जो कैमरे में छप गया वो छप गया, आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये फर्क होता है। तो बॉम्बे भी मैंने पृथ्वी थिएटर में कभी मुझे अवसर मिलता है तो मैं शोज करता हूँ जब फ्री होता हूँ। ओके। अच्छा, कभी वापस आप बलिया जाना हुआ आपका? जी, जाना हुआ। बलिया के लोगों ने मुझे मेरा नागरिक अभिनंदन किया था जी, कि मैं बलिया का हूँ इस नाते, तो वो भी मेरे लिए कामयाबी थी। बिल्कुल। और आपके शो का जो नाम है कोशिश से कामयाबी तक, तो मैं ये कहूँगा कि कोशिश भी निरंतर करनी पड़ती है और कामयाबी का भी कोई अंत नहीं है, कामयाबी भी अनंत है। आप चलते जाइए, कोशिशें करते जाइए, कामयाबियां आप पहुंच जाते हैं। वो एक फॉग की तरह है जी, कि आप फॉग में सड़क पे चलिए, थोड़ी दूर आप जाते हैं फिर आगे की सड़क दिखाई देने लगती है। तो पहले तो यही मुश्किल था कि हम आप जैसे लोगों तक पहुंचे कैसे, और पहुंच गए तो अब ये कभी इनके साथ काम कैसे करें, हर एक के साथ अच्छी 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 फिल्में मिलें, अच्छे अच्छे सीरियल मिलें। अगर आप अपनी कामयाबी का श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को देना चाहेंगे तो आप किसे देंगे? मैं अपने पूरे परिवार को दूंगा, उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा जी, और विशेष रूप से मेरी पत्नी, और वो मतलब हमेशा कंधे से कंधा मिलाए खड़ी रही जी। कोई नहीं, आप मतलब कई बार ऐसा भी होता था कि छोड़ दो यार, नहीं हो रहा है, क्योंकि तुरंत काम मिलता नहीं जी। कई बार आप काम कर लीजिए उसके बाद भी काम नहीं मिलता है। तो कोई फिक्स तो होता नहीं है हमारा कि नहीं इसके बाद तुरंत दूसरा मिल जाएगा। हाँ। तो उसके लिए भी कोशिश करनी पड़ती है, लुक टेस्ट देने पड़ते हैं, ऑडिशन देने पड़ते हैं। हाँ, इतना काम करने के बाद भी आज देना मैंने अभी है। मैं हैरान था, अभी 10-15 दिन पहले मुंबई मिरर में एक आर्टिकल आया था कि रोहिणी हथंगड़ी जी को भी लुक टेस्ट का बहाना करके ऑडिशन के लिए बुलाते हैं। बताइए, नेशनल अवार्ड विनर रोहिणी जी। अभी क्योंकि आजकल के नए नए बच्चे हैं जो उनको नहीं समझ है, बिल्कुल नहीं पता समझ है। नहीं है कि किसका ऑडिशन लेना है, किसका ऑडिशन नहीं लेना है। अगर आपको बुला रहे हैं मतलब एक ये हस्ती है, उनका पहले आप देख लीजिए ना। आप आजकल यूट्यूब में, गूगल में हर चीज अवेलेबल है। अवेलेबल नहीं, वो मेहनत कौन करे? ये शुक्र है कि उनको बुलाने के बाद आपका नाम क्या है नहीं पूछते। मैं समझता हूँ आज हमारी इंडस्ट्री में गिने चुने जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, वो रियल कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, बाकी ये ऑप्शन सप्लायर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो बहुत सारे ऑप्शन लेके भेज देते हैं। अच्छा, आपसे बात करके बहुत मजा आया। शरदेंद्र जी, आपके बाजू में किताब रखी है, उसमें आपकी फोटो लगी हुई है। मैं बिल्कुल करूंगा, एक ऑटोग्राफ कर दीजिए और हमारे ऑडियंस को दिखा दीजिए। पहले मैं एक आखिरी शेर के साथ अपनी बात जी जरूर जरूर इरशाद, आपके शो के नाम पर कोशिश से कामयाबी तक के लिए, कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी
कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले जी। और ये कमी का जो एहसास है हाँ। ये हमेशा हमें खड़ा रखता है कि मेहनत करो, आगे बढ़ो, कामयाबी अभी और दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। बिल्कुल सही है। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। झुके नहीं कदम कर।